सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। उसके बाद आपको सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण करने हैं। फिलहाल ये प्रशिक्षण आपके ब्लॉक के 12 अध्यापकों के चल रहे हैं, लेकिन ये प्रशिक्षण सभी को करने अनिवार्य होंगे। जब ये प्रशिक्षण चलेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल आएंगी, क्योंकि काफ़ी बड़े प्रशिक्षण हैं और इन प्रशिक्षण में सबसे मुश्किल काम होता है असाइनमेंट को भेजना। तो साथियों, इन प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षण है सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। आज की इस वीडियो में हम सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण के भाग 4 भाग में देखेंगे कि किस तरह से हम अपना असाइनमेंट तैयार करेंगे और इसके साथ साथ इस असाइनमेंट को हम किस तरह से ईमेल करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इस प्रशिक्षण का पहला पार्ट जोड़ है, दूसरा पार्ट घटाना है, तीसरा पार्ट गुणा है और चौथा पार्ट हमारा भाग है। तीन पार्ट हम कर चुके हैं, चौथे पार्ट का ये दूसरा पार्ट है कि इसमें असाइनमेंट आपको जमा करना है। जैसे ही आप इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आपके पास तीसरे पार्ट में आएगा कि आपको inservice@gmail.com पर आपको असाइनमेंट भेजना है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक असाइनमेंट आएगा। आपके पास सबसे बेटर तरीका है कि उस असाइनमेंट के प्रत्येक पेज के, 4 पेज दिए हुए हैं, प्रत्येक पेज के आप फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद असाइनमेंट को तैयार करा लीजिए। किस तरह से तैयार कराएंगे मैं आपको बताता हूं। मैंने इसके 4 पेज की फोटो स्टेट निकलवा ली है, उसके बाद मैंने असाइनमेंट को तैयार किया। किस तरह से करेंगे, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित भाग गणित अभ्यास कार्य है, क्योंकि इनको बनाने में मुश्किल होगी तो इसलिए इसे प्रिंट आउट करा लिया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। निम्नलिखित वस्तुओं को सभी बच्चों में बराबर बांटिए, सही विकल्प चुनकर पूर्ति कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें जो सही विकल्प है उसको आप चुन लीजिए। इस तरह से मैंने इनको चुन लिया है। इसी प्रश्न के 4 पार्ट हैं, इसमें भी सही विकल्प जो है उस पर मैंने राइट का निशान लगा दिया है और उसको सोल्व भी कर दिया है। इनमें दिया हुआ था 6/3 = क्या होगा, मैंने वो लिख दिया और उसको टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हल कीजिए। आपको केले दिए हुए हैं, इस तरह से केले दिए हुए हैं 4 पार्ट में और इनको कुल केलों को 5 में डिवाइड करना है तो कितने केले हो जाएंगे, तो इसमें आप 20 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कटोरी होंगी, इनको आप सोल्व कर देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर देंगे, यानी 42/6 = 7। इसके बाद फोर्थ है आपका 8/4 = 2। इसके बाद फिफ्थ है 10/2 = 5। तो ये आपका प्रश्न इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है, सुजान के पास 3 गाय हैं जिन्हें दुहने में कुल 45 मिनट लगते हैं, एक गाय को दुहने में कितना समय लगेगा। आपको चित्र भी दिया हुआ है, अगर आप प्रिंट आउट करा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको हल करना है। कुल लगा समय बराबर 45 मिनट, कुल गाय बराबर 3, एक गाय को दुहने में लगा समय बराबर 45/3 = 15 मिनट। इस तरह से आप इसको हल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि टमाटर के 1 कैरेट में 25 किलोग्राम टमाटर आता है तो 1 कैरेट टमाटर का मूल्य 750 रुपये है, तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा। तो 1 कैरेट टमाटर का मूल्य आपका 750 रुपये है और 1 कैरेट में टमाटर है आपके 25 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा। 750 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका 30 रुपये आ जाएगा। और विवाह, यदि राकेश के घर पर विवाह भोज के लिए 30 किलोग्राम टमाटर लगे तो कुल कितने रुपये देने होंगे। तो विवाह भोज में लगे टमाटर 30 और कुल रुपए देने पड़ेंगे, 30 रुपए किलो हैं और 30 किलो टमाटर लगे तो 30 × 30 900 रुपए आपके हो जाएंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, अध्यापक भाग की पूर्व अवधारणाओं के लिए गतिविधियों का निर्माण करेंगे। तो इसमें पूर्व अवधारणा के लिए गतिविधि बनाई गई है कि बच्चों को 20 कंकड़ देंगे और उन्हें 4 साथियों को देने को कहें, और यह भी बताएं कि सभी को बराबर बराबर कंकड़ देना है। पहले 4 साथियों को एक एक कंकड़ बांटने को कहें, फिर यह प्रक्रिया तब तक दोहराने के लिए कहें जब तक कि उनके पास कंकड़ खत्म न हो जाए।
पता करें कि प्रत्येक बालक को कितने कंकड़ मिले। गिनने पर पता चलेगा कि सभी को 5-5 कंकड़ मिले। बच्चों को बताएं कि अगर हम 20 को 4 से भाग देते हैं तो हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि सभी को 5-5 कंकड़ मिलेंगी। स्पष्ट करें कि किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने का संक्षिप्त क्रिया भाग है। इसको आप गतिविधि करा सकते हैं। इसके साथ साथ भाग के कौशल विकास के लिए आप गतिविधि करा सकते हैं। इस तरह से आप आइसक्रीम बना सकते हैं, यानी कि 40 भाग 5। तो इसमें आपको आइसक्रीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो इसका आंसर होगा वो दूसरे पार्ट में होगा और दूसरे पार्ट को पहले पार्ट से लगाना है। इस तरह के आप बना सकते हैं पेपर पे और बच्चों को ये गतिविधि करा सकते हैं, तो उन्हें भाग का अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद इसमें अपना नाम लिख देंगे, अपने स्कूल का नाम और अपने जिले का नाम इस तरह से लिख देंगे। अब हमको असाइनमेंट ये भेजना है। किस तरह से इस असाइनमेंट को भेजेंगे? सबसे पहले इसके फोटो खींच लेंगे हम 1 से लेकर 4 तक, और फिर उसके बाद हम इसके PDF बनाएंगे। PDF किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता, मैंने आपको पहले भी बताया है, डॉक स्कैनर का यूज करेंगे, उससे हम PDF को बना लेंगे। उसमें उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डॉक स्कैनर से यूज करके आप इसकी PDF को बना लीजिए। अब हमें इसको भेजना है। भेजने के लिए हमें क्या करना है, मैंने PDF बना ली है। बस जब आप PDF बनाएं तो PDF का टाइम नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जीमेल आपको कहीं पर होगा, जीमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जीमेल खुल के आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, जीमेल में या तो आपके पास पेंसिल का निशान होगा या आपके पास प्लस का निशान होगा। तो मेरे पास प्लस का निशान है तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक कर दूंगा। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मेरे सामने निकल के आ जाएगा। इसमें आपको इन सर्विस, यहाँ पर 2 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप इन सर्विस ट्रेनिंग लिखेंगे इस तरह से IN। जैसे आप लिखेंगे, अगर आपने एक दो ईमेल पहले भेजा हुआ है तो वो आपका लिख के आ जाएगा इन सर्विस ट्रेनिंग असाइनमेंट @gmail.com। वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको ईमेल भेजना है। किस तरह से भेजेंगे, आपने लिख लिया है। अब आपको ऊपर राइट का निशान चमक रहा है, उसके बराबर में एक पिन का निशान चमक रहा है। पिन के निशान को टच करेंगे और यहां से अटैच फाइल करेंगे, अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जहां पर आपकी फाइल होगी उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी फाइल फाइल मैनेजर में है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। जैसे हम फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो इस पे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, तो इसमें मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने क्लिक किया और मैंने टाइम नोट कर लिया कि मैंने किस टाइम तक, किस टाइम अपनी PDF भेजी थी। ये आपकी 10 तारीख है और 13:34 पे मैंने PDF भेजी थी 10 तारीख को। तो 10 तारीख में इसे ढूंढ लेते हैं। ये देखिए 13:32 पे सबसे ऊपर मेरी PDF आ गई है। इस पे क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी PDF यहाँ पे आ गई है। आप चाहें तो इस PDF को एक बार चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से, PDF पे क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि क्या हमारी यही PDF है या कोई और दूसरी PDF तो नहीं हमने भेज दी। इसको आप टच करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी PDF को भेज देंगे। इस तरह से आपकी PDF सेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी PDF आप आसानी से भेज सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को भेज देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।